अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल सप्लाई कम करने वाला भारत अब बिना पश्चिम की परवाह किए रूस से जमकर तेल खरीद रहा है। रूस इस वक्त यूक्रेन से जंग की वजह से पश्चिमी देशों का कड़ा आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। ऐसे में अमेरिका ने युद्ध के शुरुआती दौर में भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने रूसी तेल खरीदने को लेकर पैर नहीं खींचे। बल्कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर रूसी तेल आयात को लेकर भारत का मजबूती से पक्ष रखा है। भारत इस वक्त सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा है कि भारत को जो भी सप्लायर सस्ता तेल देगा, भारत उसकी ओर ही कदम बढ़ाएगा, चाहे वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में ही आते हों। इस बीच अब अमेरिका की ओर से बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि वो खुश है कि भारत जितना मर्जी चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे, जिसमें रूसी तेल के ऊपर G7 देशों की तरफ से लगाए गए प्राइस कैप से ऊपर की कीमत भी शामिल हो। अमेरिका का यह बयान बताता है कि भारत की नई तरह की विदेश नीति के सामने पहली बार अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हुआ है। यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप के कार्यक्रम में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के रूप में पहली बार भारत पहुंची जेनेट येलेन ने शुक्रवार को कहा है कि अगर प्राइस कैप से ऊपर की कीमत देकर भी भारत रूस से तेल खरीदता है और उससे पश्चिमी देशों की इंश्योरेंस कंपनियां, फाइनेंस संस्थान और मैरीटाइम सर्विस का उल्लंघन नहीं होता है तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनेट येलेन ने कहा कि रूस के खिलाफ G7 देशों की ओर से जो प्राइस कैप लगाए गए हैं वो अभी भी रूस के राजस्व पर अंकुश लगाने का काम करेगा और वैश्विक तेल की कीमतों को कम करेगा। आपको बता दें कि G7 देश रूसी तेल पर 5 दिसंबर के डेडलाइन से पहले प्राइस कैप लगा देंगे। वहीं दूसरी तरफ G7 देश प्राइस कैप को लेकर सावधान है, वहीं भारत G7 देशों के प्राइस कैप को लेकर सावधान है। प्राइस कैप लगने और यूरोपीय संघ की ओर से रूसी तेल खरीदने पर रोक लगाने के बाद रूस के लिए ज्यादा छूट देकर तेल बेचना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से रूस के लिए तेल का शिपिंग करना और ज्यादा मुश्किल होगा। भारत अब चीन के अलावा रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। जेनेट येलेन ने कहा है कि प्राइस कैप के आ जाने के बाद भारत और चीन को रूसी कच्चे तेल की खरीदारी के लिए कीमत कम करवाने में और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रूसी तेल सस्ते दामों पर बिक रहा है और हम खुश हैं कि भारत को कम कीमत पर यह सौदा मिल गया है। यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन की टिप्पणी उस वक्त आई है जब पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात करना जारी रखेगा क्योंकि इससे भारत को फायदा होता है। G7 देशों के प्राइस कैप एक्टिव होने के बाद किसी भी देश के लिए रूसी तेल खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद उन्हें रूसी तेल को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए ना तो इंश्योरेंस मिल सकेगा और ना ही पश्चिमी देशों के वो जहाज मिल सकेंगे जिनसे तेल की शिपिंग की जाती है। रूस का सबसे बड़ा तेल निर्यातक रोसनेफ्ट अपने टैंकर चार्टर्ड ट्रेड का विस्तार कर रहा है ताकि उसके खरीदारों को प्राइस कैप के रूप में टैंकर, इंश्योरेंस या अन्य सेवाओं की तलाश न करनी पड़े। हालांकि टैंकरों से तेल की आपूर्ति आसान नहीं होगी, लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन जैसे देश किस तरह से रूसी तेल का आयात करते हैं।